हम किस प्रकार अपने वीडियो को अच्छे प्रकार से एडिट करेंगे, तो हम एक एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस ये जो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा नीचे में, इस पर सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा ऐप के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से लगभग इस ऐप का यूज यूट्यूब क्रिएटर करते हैं। बहुत से यूट्यूब क्रिएटर इस ऐप का यूज करते हैं। तो आप भी इस ऐप को किस प्रकार यूज करेंगे और अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर्केड टेक्नोलॉज को, नो फेक ओनली यूजफुल वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करो। क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू कलर में यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। और इस पर क्लिक करने के बाद एक वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मान लीजिए हम ये वाले वीडियो को सिलेक्ट किए। और इसको करने के बाद यहाँ पर जो नीचे में एरो का चिन्ह है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिपेयरिंग कर रहा है, यानी ये लोडिंग ले रहा है। और इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होने लगा, देख सकते हैं जैसे कि। तो यहाँ पर हम प्रोसेसिंग होने देंगे और कुछ वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वीडियो को स्किप कर रहे हैं, जिससे आप ये वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो वीडियो है वो प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर शो करने लगा। तो हम वीडियो को स्किप किए थे और इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस को देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला साइड में, तो इस पर क्लिक करके ऐसे यहाँ पर दूसरा वीडियो को लगाते हैं, या इसको जो वीडियो है समझ लीजिए यहाँ पर ऐसे आ गया है वीडियो है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एंड में आ जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फर्स्ट में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो ये स्टॉप का है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो चलने लगेगा, यानी प्ले हो जाएगा। और इसके बाद इसको स्टॉप कर देते हैं। और इसका जो कार्य है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि कोई भी वीडियो गलत हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करके और हम इस वीडियो को यहाँ से कट कर दिए, तो ये जो दो एरो का चिन्ह है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो इससे आप क्लिक करके और गलतियों को अपने सुधार सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे पहला था, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो ये आप समझ लिए। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर म्यूजिक का चिन्ह है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और हम केवल आपको इस वीडियो का जो केवल हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे जो भी इस ऐप का फंक्शन है, उसी के बारे में जानकारी देंगे। आपको पूरा गहराई में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ये टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे तो टाइटल यहाँ पर लगा सकते हैं अपने वीडियो में। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो या फोटो को लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करके। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक और यहाँ पर चिन्ह है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमें किसी वीडियो के बीच में कोई भी वीडियो को ऐड करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक किए और इस स्प्लिट पर क्लिक कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो कट गया है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करके और यहाँ पर जो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दूसरा वीडियो लगाना है इस यहाँ से बीच में यहाँ पर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही प्लस पर, ऐसे यहाँ पर से वीडियो पर किसी का कोई भी वीडियो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो वीडियो लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक, तो यहाँ पर ये वीडियो लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर लग चुका है। इस प्रकार इसका यूज करेंगे। और ये जो आप देख रहे होंगे ये स्पीकर का चिन्ह, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका वीडियो का साउंड होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा साउंड ऑफ करने की आपको ज़रूरत होगा, तो आप वहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पर टेम्पलेट, नीचे में जो भी फीचर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कितना है, इन सभी का जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे
तो अपने वीडियो में जो भी छोटा सा जो इंट्रो होता है वह यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो अपने वीडियो के पिक्चर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल है, अभी कस्टम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो क्वालिटी है वीडियो का ऊपर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो भी जैसे भी चाहिए आप वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा वीडियो को चला देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक किए तो हमारा जो भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किए और देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है हमारा क्वालिटी पिक्चर का। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर है स्पीड, इस पर क्लिक करेंगे स्पीड पर, तो यहाँ से आप अपने जो वीडियो का स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फास्ट स्लो कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद बैक आते हैं और इसके बाद यहाँ पर है स्प्लिट, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहीं से वीडियो को कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कट करना है हमें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर कट गया, यहाँ पर प्लस का आइकन आ गया है, यहाँ वीडियो यहाँ से कट गया है। और यहाँ से बैक कर देंगे तो फिर जैसा था वैसा ही आ जाएगा। अनडू कर देंगे, अनडू रेडू होता है जैसे कि कंप्यूटर में होता है, ऐसा ही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा वीडियो है वो कट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमको कट करना था, यहाँ पर ट्रिम करेंगे तो हम अपने वीडियो को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया तो इसे यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे, इसका यूज यही है। इसके बाद यहाँ पर बैक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस इफेक्ट्स का यूज यह है कि जो भी वीडियो है स्मॉल क्लिप को हाईलाइट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए हमको ये छोटा सा क्लिप है जो जिसको हम हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करने लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ऊपर में ऐसे कराना होगा आपको तो ऐसे कर देगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे वैसा आ जाएगा, छोटा सा क्लिप को हाईलाइट करना चाहते हैं तो। इसके बाद बैक आ जाते हैं और यहाँ पर इसके बाद डिलीट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक किए और इसके बाद यहाँ से हम स्प्लिट कर दिए और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर दिए, इतने इस एरिया को सिलेक्ट किए हैं। इसके यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एरिया डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इसको अनडू कर देते हैं, आ गया फिर वापस। और इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम पर हम क्लिक करेंगे तो अपने वीडियो का वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद नीचे है फेड इन फेड आउट, यहाँ पर हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से बैक आ जाते हैं और इसके बाद है यहाँ पर बीजी, यानी बैकग्राउंड का जो भी कलर है देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि साउंड में कलर आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए इसको हम क्लिक किए हैं और यहाँ पर क्लिक है, इसके बाद बीजी पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर जो भी कलर देंगे हम वो यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे तो कलर शो करने लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर क्रॉप है नीचे में देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक है तो यहाँ पर आप यूट्यूब साइज, इंस्टाग्राम साइज और बहुत ही है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने वीडियो का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे ही इस क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर आपका वो साइज हो जाएगा वीडियो का। यहाँ से बैक आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिरर, जैसे ही मिरर पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो मिरर हो जाएगा, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं मिरर आपको ऐसे करना होगा तो ये उल्टा हो जाएगा आपका वीडियो। और इसके बाद आता है फ्लिप, जैसे ही हम फ्लिप पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो अप डाउन करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप पर क्लिक अप डाउन हो रहा है, यानी ऊपर नीचे, जैसे कि देख सकते हैं हमारा वीडियो ऊपर है तो यहाँ पर जो डिजिटल है वो देखिए नीचे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ गए, जिसको आप ऐसे अगर आपकी वीडियो एडिटिंग करते समय ऐसा करना होगा तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है फ्रिज, जैसे यहाँ फ्रिज पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी वीडियो है कुछ सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप करना होगा आपको अपने एडिटिंग में तो कुछ सेकेंड के लिए आपका वीडियो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो चल रहा है फ्रीज किए और कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पर स्टॉप हो गया, हमारा वीडियो चल रहा है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चल रहा है, लेकिन
यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा क्लिप आया है यहाँ पर, तो वीडियो चल रहा है लेकिन थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है रिवर्स, रिवर्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो है जो उल्टा प्ले होने लगेगा, यानी बैक साइड से फिर प्ले हो जाएगा हमारा वीडियो। अगर आपको बैक साइड से अपने वीडियो को प्ले करना होगा, मान लीजिए आप एडिटिंग किए और कुछ क्लिप को बैक साइड से हमें अगर प्ले करना होगा तो इस पर क्लिक करके रिवर्स पर आप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करेगा, काफ़ी समय लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर है आप कर लीजिएगा, आपको हम केवल बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस जूम पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वीडियो आपका जूम हो गया, जूम करना होता है तो जूम कर सकते हैं। यहाँ पर जूम इन है और मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव ऑफ है, यहाँ पर आप इन सभी फंक्शन को इस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैक आ जाते हैं और इसके बाद है यहाँ पर फॉरवर्ड, जैसे यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो है देख सकते हैं, जैसा कि फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं वीडियो का स्मॉल नकल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर छोटा नकल कर देगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक आ गए और बैक आने के बाद मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका स्मॉल करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिए और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा वीडियो है वो स्मॉल हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर छोटा कर देंगे और ये भी हमारा वीडियो प्ले ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये भी वीडियो प्ले है और जो बैक साइड में ये भी वीडियो प्ले है। यहाँ पर जो वीडियो का स्मॉल नकल हो जाएगा, जैसे छोटा में यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा में आपको यहाँ पर जैसे होता है बहुत सारे वीडियो में कि जो भी क्रिएटर होते हैं उनका पिक्चर छोटा रहता है और यहाँ पर वो उनके द्वारा बताया जाता है। तो आप किस प्रकार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है VN, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में VN, यहाँ पर नीचे में आ गया है यहाँ पर VN वीडियो एडिटर मेकर व्लॉग नाउ, जिस पर क्लिक करना है आपको तो इस प्रकार का लोगो आ जाएगा। यही वो एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं इसलिए यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ।